अभी देखिए अब अपने करते हैं 12वीं क्लास एग्रीकल्चर, जो बायोटेक्नोलॉजी है उसमें जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखिए। अपने बात कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी की और कुछ क्लास अपनी हुई भी थी, बीच में किन्हीं कारणवश क्लास बंद भी होगी, अब दोबारा शुरू कर रहे हैं अपने। देखिए बायोटेक्नोलॉजी के बारे में मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए थे, जैसे IVF ये बायोटेक्नोलॉजी में आता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसी प्रकार दूध से दही का बनना ये भी बायोटेक्नोलॉजी में है। इसी प्रकार शुगर से अल्कोहल का बनना ये भी बायोटेक्नोलॉजी का एग्जांपल है। ये पुरातन बायोटेक्नोलॉजी है, पुरातन जैव प्रौद्योगिकी का एग्जांपल है। ये दोनों पुरातन जैव प्रौद्योगिकी के एग्जांपल है, प्रिमिटिव बायोटेक्नोलॉजी के एग्जांपल है। ये है तो मॉडर्न का एग्जांपल, मॉडर्न बायोटेक का एग्जांपल है, लेकिन इसको अपने नॉर्मली बायोटेक्नोलॉजी में नहीं पढ़ते हैं, इसको अपने जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उसमें जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कुछ दंपत्ति ऐसे होते हैं जो संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते, तो वहाँ पर इस चीज़ को अपने पढ़ते हैं IVF। तो ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का ही पढ़ते अपने जूलॉजी में इसको, ठीक। ह्यूमन रिप्रोडक्शन और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वहाँ पर। फिर मैंने आपको मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के बारे में एक उदाहरण बताया था और उदाहरण लिया था मैंने आपको, उदाहरण बताया था बीटी कॉटन का, ठीक। कि अपनों ने बेसिलस थुरिंजेंसिस जो कि एक जीवाणु है उसे एक जीन को अलग किया है और वो जीन अपनों ने कॉटन में ट्रांसफर कर दिया और इस तरह जो नया प्लांट बना, ठीक, उसको अपने बीटी कॉटन के नाम से जानते हैं, जो कि एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है, ऐसा अपनों ने एग्जांपल लिया था, ठीक। यानी जो बीटी कॉटन है ना उसमें क्या है कि जो सामान्य कॉटन है अपनी, ठीक, जैसे ये सामान्य कॉटन है, सामान्य कॉटन सेल है, ठीक, ये अपना बैक्टीरिया है और अपनों ने यहाँ से एक जीन लिया और यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। इस बेसिलस थुरिंजेंसिस जो कि एक जीवाणु है इससे एक जीन निकाला जिसको अपने बीटी जीन कहते हैं या क्राइजीन भी कहते हैं, बीटी जीन या क्राइजीन, और ये जीन अपनों ने पादप कोशिका में या सामान्य कॉटन सेल में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। और बाद में ये जो प्लांट बनाया उसको अपने क्या कहेंगे, बीटी कॉटन। तो यह एक ट्रांसजेनिक प्लांट है, बीटी कॉटन क्या है, ट्रांसजेनिक प्लांट है बीटी कॉटन, और ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का एग्जांपल है। यानी अपनों ने किस प्रकार बीटी कॉटन डेवलप किया है वो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का एग्जांपल है। अब देखिए यहाँ पर कुछ टूल्स है, यानी अपने को कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, कोई भी काम करने के लिए औजार चाहिए, उसी प्रकार बायोटेक्नोलॉजी में जो मतलब अपने रिसर्च करते हैं या जो भी अपने प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ टूल्स की आवश्यकता होती है, वो उन टूल्स के बारे में जानेंगे सबसे पहले, तो ठीक है। जैसे कि जब अपने इस DNA से जीन अलग करेंगे तो अपने को कोई ऐसा औजार चाहिए, जैसे मान लीजिए ये DNA है, इस DNA को अपनों ने बाहर निकाल लिया और ये इतना खंड अपने काम का है, ये मान लीजिए अपना बीटी जीन है, इसको अपने अलग करना है, तो अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को यहाँ पर कट लगाना पड़ेगा ताकि ये अलग हो जाए। तो इस तरह मतलब यहाँ पर एक टूल की आवश्यकता होगी, ठीक। यहाँ पर ये काम कौन करता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो DNA को विशिष्ट बिंदुओं पर काट देते हैं, विशिष्ट स्थल से काटते हैं, ठीक। तो कोई भी अगर अपने को वांछित जीन अलग करना है तो अपने को वो जीन
शेष डीएनए से अलग करना पड़ेगा, यानी कट लगाना पड़ेगा, और कट कौन लगाता है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो एक टूल ये हो गया अपना, ठीक है। तो सबसे पहले इसी टूल की बात करते हैं अपने, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की। देखिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए को विशेष स्थलों पर काटते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए को विशेष स्थलों पर काटते हैं, ठीक है। और एक बात और कि ये जो एंजाइम्स है ना, वो केवल द्विसूत्री डीएनए पर ही क्रिया करते हैं, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंड को काटने की इनमें क्षमता नहीं होती। डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड है, उस डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर ये अटैक करते हैं, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पर ये अटैक नहीं करते। ये केवल द्विसूत्री डीएनए पर ही क्रिया करते हैं, ये एक बात और होगी। ये केवल द्विसूत्री डीएनए पर ही क्रिया करते हैं, ठीक है। इन्हें आणविक कैंचियां या रासायनिक चाकू भी अपने कहते हैं, इनका एक नाम और भी है, ठीक है। आणविक कैंचियां या इनको अपने रासायनिक चाकू भी कहते हैं। देखिए, ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, ये सामान्यतः बैक्टीरिया में पाए जाते हैं और उनमें सिंपल इम्यून सिस्टम की भांति कार्य करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स किसमें मिलते हैं? भी बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, जीवाणुओं में पाए जाते हैं, और इनमें ये सामान्य प्रतिरक्षा तंत्र की भूमिका निभाते हैं। इनमें समान यानी सिंपल, ठीक है, इनमें सिंपल इम्यून सिस्टम की भांति कार्य करते हैं, ठीक है। देखिए, अपने देखते हैं कि इनकी खोज कैसे हुई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की, वो भी अपने देख लेते हैं। देखिए, एक सामान्य प्रक्रिया है जिसको अपने कहते हैं लाइसिस। लाइसिस, ठीक है, लाइसिस कहते हैं अपने। और जो बैक्टीरियोफेज है, उनके गुणन में अपने ये पढ़ते हैं कि जो बैक्टीरियोफेज है, जीवाणुभोजी, उनका गुणन किस प्रकार होता है। तो दो तरीके से होता है, एक तो लाइसिस साइकिल होता है, एक लाइसोजेनिक होता है, ठीक। अपने इसके बारे में देखते हैं कि लाइसिस का मतलब क्या है। यहाँ पर देखिए, ये कोई बैक्टीरिया है और ये जीवाणुभोजी है। सबसे पहले यहाँ पर यह तो जीवाणुभोजी है, जीवाणुभोजी मतलब एक प्रकार के वायरस ही है। जीवाणुभोजी क्या है? एक प्रकार के वायरस है जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। तो ये जो जीवाणुभोजी है ना, ये जीवाणु कोशिका की सतह से चिपकता है और अपना जेनेटिक मटेरियल इसमें ट्रांसफर कर देता है, जैसे कर दिया, ठीक।
अब क्या होगा, इस जौनो पॉजिटिव डीएनए के प्रभाव में ये डीएनए खंडित हो जाएगा या नष्ट हो जाएगा, और जो जौनो पॉजिटिव का डीएनए है वो इस कोशिका पर कंट्रोल कर लेगा। कुछ समय बाद में इस कोशिका में नए जौनो पॉजिटिव बनेंगे भी, इस डीएनए के निर्देशन में इस कोशिका में नए जौनो पॉजिटिव बनेंगे, ठीक। और कुछ समय बाद में कोशिका फट जाएगी, यानी जो जीवाणु कोशिका है वो मृत हो जाएगी, फट जाएगी, और ये जीवाणु बोधी मुक्त हो जाते हैं भी। तो ये होता है लाइसिस। वैज्ञानिकों को इस प्रक्रिया के बारे में पता था, और ये एक सामान्य प्रक्रिया थी लाइसिस। जीवाणु बोधी जो है वो किस प्रकार गुणन करते हैं उस संबंध में यह प्रक्रिया है। अब वैज्ञानिकों को कुछ अलग दिखा, क्या दिखा वो देखिए। वैज्ञानिकों ने क्या नोटिस किया या क्या देखा कि जैसे ये जीवाणु हो गया, ये जीवाणु बोझी हो गया। वैज्ञानिकों ने ये देखा कि जो जीवाणु बोझी है ना, वो जीवाणु की सतह से चिपकता है और अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर ट्रांसफर कर देता है। लेकिन इस के उपरांत जीवाणु कोशिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कुछ समय बाद भी जीवाणु कोशिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पहले वाले केस में उन्होंने क्या देखा था कि कुछ समय बाद में यानी जीवाणु बोझी का जो डीएनए है वो इसमें प्रवेश कर जाता है, और बाद में नए जीवाणु बोझी बनते हैं, और कुछ समय बाद में कोशिका फट जाती है, जीवाणु कोशिका नष्ट हो जाती है। ये जो सेकेंड केस है इसमें ऐसा नहीं हुआ। जीवाणु बोझी का डीएनए प्रवेश जरूर करता है, लेकिन बाद में जब अपने मतलब सब वैज्ञानिकों ने देखा कुछ देर तक, तो उन्हें यह मिला कि इस कोशिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यह कोशिका नहीं फट रही है, यह कोशिका नष्ट नहीं हो रही है, ठीक। फिर उन्होंने ये जानने का प्रयास किया कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक। पहले वाले केस में तो क्या था, जीवाणु बोझी का डीएनए जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है और जीवाणु कोशिका नष्ट हो जाती है। लेकिन इस केस में जीवाणु बोझी का डीएनए जीवाणु कोशिका में प्रवेश तो कर रहा है, लेकिन जीवाणु कोशिका नष्ट नहीं हो रही। तो वैज्ञानिकों ने जानने का प्रयास किया कि ऐसा क्यों हुआ, तो उनको पता चला कि जीवाणु कोशिका में कुछ एंजाइम्स है, और ये जो एंजाइम्स है इस बाहरी डीएनए को, बाहरी आउटर, इस बाहरी डीएनए को यानी जीवाणु बोझी का डीएनए है, इस पर अटैक करते हैं और इसको खंडित कर देते, इसको नष्ट कर देते, ठीक। तो इन एंजाइमों को नाम दिया गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इनको क्या नाम दिया गया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक। यानी ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, यहां पर जो जीवाणु बोझी का डीएनए यानी जो फेज डीएनए है उसको कट कर रहा है, उसको काट रहा है। बाद में रिसर्च और होते गए तो पता चला कि अनेक प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं जो अनेक प्रकार के जीवाणुओं में मिलते हैं। कुछ जीवाणु ऐसे भी हैं जिनमें कई तरह के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मिलते हैं, ठीक है। इस तरीके से यानी अलग अलग जीवाणुओं से अलग अलग प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की खोज की गई। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का मतलब आपको पता चल ही गया होगा कि ये जो एंजाइम्स हैं ये डीएनए को कट करते हैं, ठीक, और ये प्राकृतिक रूप से जीवाणुओं में मिलते हैं, जहाँ पर ये जीवाणु कोशिका को जीवाणु बोझी के आक्रमण से बचाते हैं। बाद में इन एंजाइम्स पर रिसर्च शुरू हुआ, तो रिसर्च में अपने को क्या पता चला, पहली बात तो ये पता चली कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए को विशेष स्थलों पर काटते हैं। फिर ये केवल द्विसूत्री डीएनए पर क्रिया करते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पर ही अटैक करते हैं, और इनको आणविक कैंची या रासायनिक चाकू भी अपने कहते हैं, ठीक। तो ये हो गया। अब देखिए आगे, देखिए हाइंड सेकंड
प्रथम रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस है जिसको पृथक किया गया। हाइंड सेकंड ये एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है भी। देखिए नाम कैसे पड़ा हाइंड सेकंड वो अपने आगे देखेंगे जब इसका अपने पढ़ेंगे नामकरण रेस्ट्रिक्शन एंजाइमों का नामकरण तब देखेंगे। हाइंड सेकंड एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है और यह प्रथम एंजाइम है, प्रथम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसको पृथक किया गया। ठीक है सर्वप्रथम पृथक किया गया ठीक। देखिए रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम है उनको अपने रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस भी कहते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कह लो या रेस्ट्रिक्शन है एंडोन्यूक्लियस कह लो एक ही बात है। देखिए अब तक 3000 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का अध्ययन किया जा चुका है। अब तक 3000 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का अध्ययन किया जा चुका है और 600 एंजाइम कमर्शियली अवेलेबल भी है मार्केट में। ठीक 600 एंजाइम्स कमर्शियली अवेलेबल है ठीक रिसर्च हेतु काम में लेने के लिए। देखिए अब देखिए हाइंड सेकंड के बारे में अपने देखते हैं थोड़ा सा। देखिए हाइंड सेकंड डीएनए को ऐसे विशिष्ट स्थानों पर काटता है जहां 6 क्षारक युग्मों का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। ठीक हाइंड सेकंड डीएनए को ऐसे स्थल पर काटता है हाइंड सेकंड डीएनए को ऐसे विशिष्ट स्थल पर काटता है जहां 6 क्षारक युग्मों का जहां 6 क्षारक युग्मों का एक विशिष्ट क्षारानुक्रम होता है या विशिष्ट सीक्वेंस होता है जहां 6 क्षारक युग्मों का विशिष्ट अनुक्रम होता है। क्षार युग्मों के इस विशेष अनुक्रम को हाइंड सेकंड के लिए पहचान अनुक्रम या अभिज्ञान स्थल कहते हैं। पहचान अनुक्रम या अभिज्ञान स्थल कहते हैं ठीक। देखिए कहने का मतलब है कि एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा और अगर वो सीक्वेंस है ना स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस या क्षार अनुक्रम होगा अगर वो सीक्वेंस है तो हाइंड सेकंड वहां पर अटैक करेगा और डीएनए को कट कर देगा वरना कट नहीं करेगा ठीक। और इस सीक्वेंस को कहते हैं अपने पहचान अनुक्रम या अभिज्ञान स्थल। इसको अपने आगे समझेंगे इको आर वन एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है इको आर वन ठीक उसका एग्जांपल लेते हुए इसको आगे समझेंगे अच्छे तरीके से। अभी जो हाइंड सेकंड की बात कर रहे हैं इस प्रक्रिया को अपने इस एग्जांपल के द्वारा समझेंगे इको आर वन ठीक। देखिए आगे जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये एंजाइम एक स्पेसिफिक अनुक्रम को पहचानते हैं और पहचानने के बाद में ही कट करते हैं ठीक। प्रत्येक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए में स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को पहचानता है ठीक। उदाहरण लेते हैं अपने पहले देखिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है वो भी देखेंगे और ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये किस प्रकार काम करते हैं वो भी देखेंगे।
जैसे एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक और लेते हैं अपन एग्जांपल के तौर पर ई को आर फर्स्ट, ये एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है और इसके लिए जो पहचान अनुक्रम है वो क्या है, जी ए टी टी सी। यह अगर अनुक्रम है तो यह काटेगा वरना नहीं काटेगा। जैसे अपन देखते हैं ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है अभी, तो देखिए इस डीएनए को ई को आर वन जो कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है काटेगा या नहीं काटेगा, काटेगा कब, जब ये सीक्वेंस हो जी ए टी टी सी। कहीं पर भी देख लिए ऐसा सीक्वेंस आया है क्या, जी ए टी टी सी। कहीं पर भी नहीं है यहां पर जी ए टी टी सी, देख लीजिए आप जी ए टी टी सी ये सीक्वेंस नहीं है, तो यह एंजाइम इसको नहीं काटेगा। एक डीएनए और लेते हैं अपने, एक ये रहा। देखिए ये जो जीएटीटीसी है ना, यह जो अनुक्रम है इस एंजाइम के लिए पहचान अनुक्रम है, भी क्या है पहचान अनुक्रम है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। अब देखिए यहां पर ये सीक्वेंस है या नहीं है, जीएटीटीसी जीएटीटीसी ये रहा, जी ए ए टी टी सी ये रहा है ना, तो यहां पर जी ए टी टी सी है, तो यह एंजाइम किस प्रकार कट करेगा, जो ई को आर वन है ना वो यहां पर अटैक करेगा और इस तरह कट कर देगा इस तरीके से, ठीक। यानी यह तो अलग हो जाएगा और यह अलग हो जाएगा, ठीक। ये जो इधर वाला ठीक, ये अलग, ये इधर, तो इस तरह कट कर रहा है ये, तो यह क्या हो गया अपना पहचान है, अनुक्रम हो गया ये, ठीक। और यह जी और ए के बीच में से काट रहा है, ये तो पहचान अनुक्रम हो गया, और जो क्लीवेज साइट है वो क्या है, जी और ए के बीच में, जी ए जी ए। अब देखिए ये जो सिक्वेंस आप देख रहे हो ना, ये पैलिंड्रोमिक है भी, और जो पहचान अनुक्रम है ना वो ज्यादातर क्या होते हैं, पैलिंड्रोमिक ही होते हैं। जैसे यहां पर ये पहचान अनुक्रम है और ये पैलिंड्रोमिक है। पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या है, मतलब यहां पर देखिए आप इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को देखिए, आप यहां पर चाहे 5-2-3 पढ़ो, ठीक है, या 3-5 पढ़ो, लेकिन दोनों स्टैंड आपको एक डायरेक्शन में पढ़ने हैं। अगर आप ये 5-3 पढ़ रहे हो ना, तो नीचे वाला भी क्या पढ़ने का आपको 5-3, अगर आप ऊपर वाला 3-5 पढ़ रहे हो तो नीचे वाला भी 3-5 आपको पढ़ना है। तो आप दोनों स्टैंड देखिए और आपको एक डायरेक्शन में पढ़ना है 5-3। तो यहां पर देखिए 5-3 पढ़ने पर क्या आ रहा है, यानी अपने को पढ़ने का जो सीक्वेंस है वो सेम रखना है, चाहे 3-5 पढ़ो चाहे 5-3 पढ़ो, अपने 5-3 देख रहे हैं। तो 5-3 क्या रहा है, जी ए ए टी टी सी। अब यहां पर 5-3 देखिए, यहां पर
ये फाइव, ये थ्री, जी ए ए टी टी सी, ये है ना, जी ए ए टी टी सी, जी ए ए टी टी सी, तो ये है पैलिंड्रोमिक। यानी पढ़ने का जो विन्यास है वो सेम रखा जाए तो सीक्वेंस भी क्या है, सेम आता है। ठीक, दोनों जो स्ट्रैंड है उनको अगर पढ़ने का विन्यास सेम रखे, यानी 5-3 पढ़े तो सीक्वेंस सेम आ रहा है। 5-3 क्या सीक्वेंस आ रहा है, जी ए ए टी टी सी, जी ए ए टी टी सी। इसी प्रकार अगर वैसे बात करें अपने पैलिंड्रोमिक का, अपने नॉर्मली समझे तो जैसे मलयालम वर्ड है, आप इसको ऐसे पढ़ो या ऐसे पढ़ो, क्या बोला जाएगा, मलयालम में बोला जाएगा मलयालम, मलयालम, तो ये भी एक पैलिंड्रोमिक वर्ड हो गया। और ये है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक है, तो मैं आपको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की परिभाषा बता दूं थोड़ा टेक्निकली। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से तात्पर्य है कि डीएनए के दोनों सूत्रों के चार युग्मों का ऐसा अनुक्रम जिसे पढ़ने का विन्यास समान रखा जाए तो दोनों डीएनए सूत्रों पर एक जैसा अनुक्रम पढ़ने को मिलता है। दोबारा सुनिए, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से तात्पर्य है कि डीएनए के दोनों सूत्रों के चार युग्मों का ऐसा अनुक्रम जिसे पढ़ने का अभिविन्यास समान रखा जाए तो दोनों डीएनए सूत्रों पर एक जैसा अनुक्रम पढ़ने को मिलता है। ठीक, जैसे ये है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और पढ़ने का अभिविन्यास सेम रखना है, जैसे 5-3 मान लीजिए अपने रख रहे हैं, तो 5-3 इसका ये 5 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 3 है, तो 5-3 पढ़ रहे हैं तो जी ए ए टी टी सी, जी ए ए टी टी सी। ठीक है, तो ये हो गया अपना पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब हाइंड सेकंड के लिए भी देख लेते हैं अपने, हाइंड सेकंड के लिए जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है वो क्या है, जी टी सी जी ए सी, जी टी सी जी ए सी, जी टी सी जी ए सी, ये हाइंड सेकंड के लिए भी जी टी सी जी ए सी। अगर कहीं पर भी ये सीक्वेंस आ गया ना, कहीं पर भी ये सीक्वेंस आ गया तो वहां पर ये जो अपना हाइंड सेकंड है ये डीएनए को कट कर देगा। जैसे मान लीजिए यहां पर अपने दिखा देते हैं ये सीक्वेंस, जी टी सी जी टी सी जी ए सी, जी टी सी जी ए सी। अब क्या है, ये सीक्वेंस यहां पर आ गया, हाइंड सेकंड के लिए यह जो सीक्वेंस है ना वो पहचान अनुक्रम है, तो यहाँ पर पहचान अनुक्रम है हाइंड सेकंड के लिए, तो वो भी इस डीएनए को क्या कर देगा, कट कर देगा। अगर यह सीक्वेंस है ना तभी हाइंड सेकंड इस डीएनए को कट करेगा, वरना नहीं करेगा। और यह भी पैलिंड्रोमिक ही है, पैलिंड्रोमिक ही है, जैसे 5-2-3, 5-2-3 एक डायरेक्शन में पढ़ी है, जैसे अपने 5-3 पढ़ रहे हैं दोनों को, तो क्या रहा है, जी टी सी जी ए सी, जी टी सी जी ए सी, तो ये भी पैलिंड्रोमिक हो गया। और ये जो सीक्वेंस है ये हाइंड सेकंड के लिए पहचान अनुक्रम है और ये इको आर वन के लिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं अपने कल।